105वां दिन आज है। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब भी हम और आप ही चर्चा कर रहे थे कि अगर लंबी दूरी के हथियार मिलेंगे तो उनका इंपैक्ट ज्यादा होगा, और आज देखिए तमाम सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं जहां पर 40 मीटर गड्ढे नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नजर आ रहा है कि 100 दिनों के बाद भी युद्ध की तीव्रता जो है वो कम होने की जगह कहीं शायद ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम और आपके बातचीत के बाद कीव पर दोबारा भी हमला हो गया। बिल्कुल शुभांकर, देखिए ये लड़ाई अब लंबी चलने वाली है क्योंकि जो ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट्स हैं जो रूस के अंदर है वो यूक्रेन वापस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन आप तस्वीरों की बात कर रहे हैं तो तस्वीरों की से ही शुरू करते हैं, और आप राजेश से भी पूछ लीजिएगा, ये फॉग ऑफ वॉर जो है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसके तहत जितने भी तस्वीर आते हैं आपको देख के चलना होगा कि तस्वीर कहाँ से आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। जो तस्वीर है जहां पर आप देखते हैं बहुत सारे होल्स बन चुके हैं क्योंकि इतनी बॉम्बिंग हुई है, तो ये एक तरफा बॉम्बिंग तो नहीं हो सकता। हम जब डॉनबास के इलाके में थे वहां पर बॉम्बिंग, और वैसे ही जितने वहां के इम्पोर्टेंट वीट फील्ड्स थे, खेत खलियान, वो जितने भी एरिया थे वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे थे, लेकिन वो बस रूसी शेलिंग या रूसी बॉम्बिंग की वजह से नहीं था। यूक्रेन भी क्योंकि वापस लेना चाह रहा है जमीन को, इसलिए बॉम्ब कर रहा है, इसलिए शेलिंग हो रहा है वहां पर, और इसी वजह से जितने भी खेत, जितने भी फार्म्स इन एरियाज में है वो काफी ज्यादा उन्हें नुकसान सहना पड़ रहा है, और ये चलता रहेगा शुभांकर, क्योंकि जैसा आपने दिखाया और जैसे हम कहते आ रहे हैं जब तक ये ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट्स में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है होता कि क्या डॉनबास के इलाके को यूक्रेन इंडिपेंडेंट मानेगा या फिर क्राइमिया को रूस का हिस्सा मानेगा, अगर नहीं होता तो ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी। दूसरी बात, क्या रूस जिन जगहों को कैप्चर कर चुका है जो डॉनबास और क्राइमिया से बाहर के इलाके हैं, ज़ापोरोजिया, खेरसोन, क्या इन इलाकों को रूस वापस करने वाला है? अगर नहीं करने वाला तो ज़ेलेंस्की की जो सरकार है उन्हें इसी तरीके से लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी, और इसके लिए जितने भी हथियार आ रहे हैं, जितने भी एमिनिशन आ रहे हैं वेस्ट से, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एस्केलेशन की बात करें तो देखना ये होगा शुभांकर कि क्या रूस को कोई भी ऐसा हैवी वेपनरी जिससे रूस को बहुत नुकसान पहुंचे, क्या रूस उसे एस्केलेशन मानेगा, यानी कि नेटो इंटरवेंशन के अलावा क्या उसको एस्केलेशन माना जाएगा जब ऐसे हैवी वेपन्स की वजह से रूस को नुकसान होने लगे। ठीक है राजेश, आपके लिए मेरे पास दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है क्योंकि हाल फिलहाल में कीव पर हमला हुआ था, कीव के बाहरी इलाकों पर, तो एक सवाल तो यही है कि क्या ऐसे कोई सायरन हमले दोबारा सुनाई पड़ रहे हैं? अगर आप सड़क पर हैं तो हम चाहेंगे एक बार आप कीव को दिखाएं भी, दर्शक भी देखें खूबसूरत शहर पर जब खतरा होता है तो वो कैसा नजर आता है, और ये तस्वीरों के बाद फिर मैं दूसरा सवाल पूछ लूंगा आपसे। देखिए शुभांकर, जो हमले हुए हैं संडे मॉर्निंग को सुबह 6 बजे, वो यहाँ एक रेलवे वैगन रिपेयर और स्टोरेज फैसिलिटी के ऊपर हुए हैं। और वो क्यों जरूरी है, रेलवे स्टोरेज जो और ये रिपेयर वैगन फैक्ट्री, क्योंकि जितने जो बड़े हथियार हैं जो वेस्ट से अभी मिल रहे हैं यूक्रेन को, उनको ट्रांसपोर्ट करने का सबसे बड़ा जरिया रेलवेज है इस वक्त, क्योंकि रेलवे नेटवर्क को अभी तक रूस ने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 8-10 दिन में लगातार उसके हमले, चाहे लवी में हो, चाहे निप्रो में हो, चाहे इवानो फ्रेंको में हो, चाहे कीव में हो, अभी वो कहीं ना कहीं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है, ताकि जो काबिलियत है, जो कैपेबिलिटी है यूक्रेन की इस वक्त, ये हथियार जो अमेरिका से और नेटो कंट्री से मिल रहे हैं उनको फ्रंट लाइन तक ट्रांसपोर्ट करने की, इसको किसी तरह से खत्म किया जा सके, और ये जो हथियार है रास्ते में या तो तबाह कर दिए जाए या इनको वहां फ्रंट लाइन तक ना पहुंचने दिया जाए। शुभांकर जी, अब जरा ये बताइए कि एक खबर आ रही है कि क्रीमिया से लेकर डोनबास तक एक कॉरिडोर बना रहा है रूस, आज ऐसी खबरें तमाम पढ़ने को मिली, तमाम आर्टिकल्स ऐसे छपे थे, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सवाल मैं गीता से पूछूंगा, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए शुभांकर, ये जो रूसी ऑब्जेक्टिव्स थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे इस लड़ाई के, उसमें एक अहम ऑब्जेक्टिव ये भी था कि डोनबास का पूरा इलाका कब्जे में लिया जाए, और जो क्रीमिया है जो रूस के कब्जे में है 2014 से ही, उसको डोनबास से जोड़ा जाए, इस लैंड कॉरिडोर को बनाया जाए। और ये लैंड कॉरिडोर रूस ने लड़ाई के पहले 2 हफ्ते में ही एस्टेब्लिश कर लिया था, पूरा इलाका जो समुद्री तट से मिला हुआ है क्रीमिया से लेकर डोनबास तक, वो उसने ऑलरेडी इसको पहले 2 हफ्ते में अचीव कर लिया था। हालांकि मरियापोल तब तक उसके कब्जे में नहीं था, लेकिन जैसे ही मरियापोल के ऊपर
कब्जा पूर्ण हुआ रूस का, उसके बाद ये कॉरिडोर क्रिमिया और दोनबास के बीच में पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया था।